हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग ओपन करेंगे 1150 कोर गेयर बॉक्स, 1150 गेयर बॉक्स टाटा का जो है, जीबी का 1150 गेयर बॉक्स टाटा का है, जीबी का। आज हम लोग जो है इसे ओपन करेंगे। ये देखिए, इसका नेम प्लेट लगा हुआ है जिसमें मॉडल वगैरह लिखा होता है। इसको सफ़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं गेयर बॉक्स का मॉडल। गौर से देखिए, लिखा हुआ है G1150। G1150 ये आपका गेयर का मॉडल हो गया। तो दोस्तों, इसके जो है 7 नंबर और 3 नंबर गेयर जो है सटक रहे हैं, यानी गेयर डालते ही निकल जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम खोलेंगे गेयर बॉक्स। खोलने से पहले टॉप शाफ्ट का टॉप शाफ्ट को खोलेंगे। ये देखिए, खुल गई हमारी टॉप शाफ्ट। और अब हम लोग खोलेंगे राउंडिंग के बोल्ट और कपलिंग जो है खोलेंगे। लोलर निकाल के इसके छर्रे निकाल लेना है। ये देखिए, 19 नंबर का जो बोल्ट लगा हुआ है उसे खोल करके लोलर और छर्रे निकाल लेने हैं। और 16 नंबर के 10-8 बोल्ट हैं जो उन्हें खोल करके निकाल लेने हैं। ये देखिए, और पकड़ करके हिला हिला करके आसानी से इसे निकाल लेना है। हिला हिला के आराम से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा हिलाने से। ये देखिए दोस्तों, हिला हिला करके हमने निकाल लिया है। प्लेटनी गेयर असेंबली पूरी निकल आई है। सनगेयर है, सनगेयर को पहले ओपन करेंगे, खोलेंगे। ये देखें, सारे बोल्ट जो है सनगेयर के खोले निकल गए हैं। अब इसे हम ओपन करके देखेंगे। तो सबसे पहले लो गेयर पिस्टन निकालेंगे। ये देखिए, 24 नंबर के इसमें बोल्ट लगा रहता है, उसे खोल करके लो गेयर पिस्टन जो है आसानी से निकाल लेना है। और इसके बाद चकनट को खोलना है और कपलिंग को निकाल लेना है। घुमा घुमा करके आपको जो है चकनट को खोल के, और कपलिंग थोड़ा सा टाइट होता है तो जो है इसमें टामी या कोई रॉड लेके हैमर की मदद से चोंट दे करके आप लोगों को निकालना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइट रहता है कपलिंग तो निकालने में प्रॉब्लम करता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर निकाला जा रहा है, ये देखिए आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हल्का हल्का चोंट ही देनी है। अब हम लोग इसका जो है निकालेंगे फार्क। देखिए, पूरी जो है सनगेयर असेंबली निकल आई है शाफ्ट के साथ में। स्लाइडर वगैरह सारे उसी में पड़े हुए हैं, साइक्रोमाइजर रिंग और ये सब पड़ा हुआ है। ये है आपका फार्क, छर्रे हैं। ये देखिए, छर्रे सारे निकल गए हैं। ये आपके किलोमीटर गलारी का कड़ा है जिससे आपकी किलोमीटर गलारी चलती है। ये साइक्रोमाइजर रिंग है और साइक्रो कोन है, साथ में स्लाइडर भी है। देखिए, बैरिंग इसमें जो है लगी हुई है। तो दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ सही है। प्लैटिनम गियर में सब कुछ सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे जो है न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे, करेंगे। देखिए, न्यूट्रल पोजीशन में हो गया है। और अब सबसे पहले हम लोग खोलेंगे आयल पंप। सनगेयर का बोल्ट 24 नंबर का, उसे खोल के सनगेयर को निकालेंगे।
देखिए शनगेर भी आपका निकल आया है, यह आयल पंप मोफरिंग, आयल पंप मोफरिंग है ये, इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं, आयल पंप मोफरिंग है। और इसके बाद साइड में आपका फिल्टर लगा रहता है, आयल पंप फिल्टर 19 नंबर की, जिसमें एलंकी लगती है, तो उसे हैमर की चोट दे करके खोलना है, ये टाइट रहता है, ये देखिए जैसे कि खोला जा रहा है 19 नंबर की एलंकी से फिल्टर को खोलना है। और इसके बाद जो है आयल पंप असेंबली प्लेट के साथ में, कवर के साथ में सारा निकाल लेना है। आयल पंप प्लेट ये है, देखिए आयल पंप प्लेट भी बोलते हैं, आयल पंप असेंबली भी बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों 14 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, 7 बोल्ट लगे रहते हैं, 7 बोल्ट को निकाल लेना आपको। ये देखिए आयल पंप असेंबली निकल आई है इसमें। ये देखिए इसका जो है रोटर वगैरह सारा कुछ निकल आया है। ये रोटर है जो आयल को जो है ऊपर करता है, फेंकता है प्रेशर से, जब रोटर घूमता है तभी आयल जो है आपका ऊपर जाता है। तो रोटर भी इसका निकल गया है। तो अब दोस्तों जो है गियर को सीधा करेंगे। ये देखिए प्लेट भी निकल गई जो अंदर साइड लगती है, जिसमें कॉलर वगैरह सेटिंग रहती है। गियर को खड़ा करेंगे, अब हम लोग खोलेंगे जो है हाउजिंग आगे का, जैसा टॉप रहता है टॉप की तरफ का, तो 16 नंबर के बोल्ट होते हैं, उन हम लोगों ने खोल लिया है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए 16 नंबर के बोल्ट हैं। पाना चाबी से किसी भी चीज़ से आप खोल लीजिएगा, और ऐसे पेचकस की मदद से, क्योंकि जिधर डबल रहता है डबल की ओर आप लोगों को पेचकस लगाना है, क्योंकि डबल उसमें घुसी होगी होती है होल पे, तो थोड़ा सा टाइट रहता है, तो छेनी वेनी से या तो किसी पेचकस की मदद से हल्का सा हैमर की चोट दे करके डबल से आप डबल की ओर चोट मारेंगे तो अपने आप ही निकल जाएगा। और थोड़ा सा भारी रहता है तो दो चार लोग जो है मिलकर ही उठाए। ये देखिए निकल गया है, ये आपका जो है हाउसिंग आपकी निकल गई है। जीबी असेंबली जीबी है, जीबी हाउसिंग बोलते हैं इसे, जीबी हाउसिंग, तो आपकी जीबी हाउसिंग निकल गई है। और इसमें कॉलर जो है पहले से लगी होती बैरिंग कॉलर, इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान दें कि आप लोग सोच रहे हो इसमें कॉलर नहीं है, बैरिंग यहाँ लगी हुई है, तो कॉलर वहाँ पे जो है पहले से हाउसिंग पे ही लगी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये देखिए छर्रे जो है निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसकी जो प्रॉब्लम थी वो समझ में आ रही है, साइक्रो रिंग जो है इसकी कट गई है और साइक्रो कोन भी इसके जो है कट चुके हैं। तो ये आपका टॉप निकल गया है, साइक्रो कोन और साइक्रो रिंग आपकी ये देखिए निकाल लिए गए हैं, और आपका टॉप गियर भी निकाल लिया गया है। तो दोस्तों पहले अब सबसे पहले निकालेंगे इधर से रोलर और स्प्रिंग साइड से, ये देखिए जो कि खोले जा रहे हैं। इसमें एक स्प्रिंग एक लोअर होता है, रोलर ये देखिए तो निकल चुका है। तो अब दोस्तों हम लोग खोलेंगे इसकी बैक गलारी। बैक गलारी में दोस्तों 13 नंबर के या 14 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं प्लेट में, तो ये दोस्तों बैक गलारी निकल आई। इसमें दो वार्सल रहते हैं, ठस वार्सल, और दो इसमें वायरिंग रहती है, वार्सल ऊपर नीचे रहते हैं, वायरिंगें बीच में रहती हैं। ये आपका काउंटर है जो कि हमने अभी निकाला है। तो दोस्तों इसका काउंटर निकल चुका है, अब ये हमारा बचा शाफ्ट जिसमें हम लोग गियर को फिट करते हैं, गलारियों को, गियर की गलारियों को फिट करते हैं। तो सारे जो है रोलर इसके निकाल लेने हैं, क्योंकि हमें सारे शिफ्टर राड को जो है निकालना होता है। सारे छर्रे निकाल लेना है गियर साफ शिफ्टर को निकालने के लिए, क्योंकि रोलर से ये जो है दबे रहते हैं जहाँ पे उसमें कट लगा रहता है रॉड पे, शिफ्टर रॉड पे, तो वहाँ पे छर्रे बैठे होते हैं तो निकल नहीं पाएगा, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को छर्रे निकाल। ये देखिए स्लाइडर के साथ में आपका जो है, ये देखिए स्लाइडर है, ये छर्रे हैं आपके, ये देखिए अभी दो रोलर और हैं।
बैग का और एक नंबर दो नंबर बाकी हैं, एस्प्रिन, रोलर और आपको जो है बोल्ट। तो दोस्तों एस्प्रिन और रोलर को संभाल के रखना है ताकि दोबारा ढूंढना ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही कम मिलते हैं, मार्केट में ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों अभी से शिफ्टर रॉड को निकालने के लिए इसमें एक पिन लगी होती है, तो उसे 10 नंबर का बोल्ट ले लेना है लंबा, और हैमर की मदद से चोंट दे करके निकाल लेना है इसे। और पिन निकालने के बाद जो है आपका जो रॉड है शिफ्टर रॉड फ्री हो जाता है, तो इसे जो है निकाल लेना है। ये देखिए पाना 22 नंबर का डाल के 24 नंबर का आप ऐसे हिला करके आप इसे 24 नंबर के पानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्री हो जाता है। ये देखिए तो अब गुच्छे को हम पकड़ेंगे, गियर असेंबली को हम पकड़ेंगे शाफ्ट के साथ में, और उधर से हल्का सा कपलिंग की तरफ से हल्का सा चोंट देंगे और निकल जाएगा। देखिए हैमर की हल्की सी चोंट देना है और आसानी से जो है निकल जाएगा। ये देखिए आपका जो है फार्क निकल आया है, शिफ्टर रॉड फार्क फार्क जो है आपका निकल आया है। ये देखिए गुच्छा आपका निकल गया है, ये आपकी असेंबली जो है हाउजिंग आपकी जो है वही है। ये देखिए इसमें जो है कॉलर वगैरह लगी हुई है बैरिंग की, बैरिंग की कॉलर दोस्तों इसमें लगी हुई है। तो दोस्तों इसमें जो है 3 नंबर और 7 नंबर गियर छटक रहे थे, जैसे कि हम गियर लगा देते हैं और ज़रा से गच्चे में ही गियर छूट जाता था, यानी जैसे हमने गियर लगाया तो गियर से गाड़ी हट जाती थी। तो दोस्तों इसका जो है साइक्रो रिंग और साइक्रो कोन स्लाइडर तीनों इसके जो है थोड़े थोड़े कट गए थे, यानी साइक्रो रिंग ज़्यादा कट गई थी और साइक्रो कोन ज़्यादा कट गई थी, स्लाइडर जो है थोड़ा ही कटा था। तो दोस्तों इसको हम नया डालेंगे, जब हम इसे फिटिंग करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे इसे कैसे फिटिंग करते हैं। ये देखिए कटा हुआ है, ऊपर का भाग हल्का हल्का चिकना हो जाता है। लॉक निकाल के इन्हें जो है निकाला जाता है। तो दोस्तों इसकी प्रॉब्लम पता चल चुकी है कि इसमें साइक्रो रिंग, साइक्रो कोन और स्लाइडर तीनों कटे हुए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये देखिए साइक्रो कोन और साइक्रो रिंग और स्लाइडर आपका जो है कटे हुए हैं, ये देखिए सारा कुछ आपका कटा हुआ है। तो इसमें हम नया डालेंगे, चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद फिर जो है नया फिटिंग करेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।